नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड करना है, प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो रह सकता है। देखिए आप मेरे को ये वीडियोस बनाते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और आप लोग मेरे एक कंसेप्ट समझ गए होंगे। देखिए मैं आप लोगों को इंट्राडे के लिए स्टॉक्स तो प्रोवाइड करवाता हूँ, बट आप लोगों को पता होगा कि इंट्राडे के लिए भी मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमेशा डेली चार्ट ही यूज़ करता हूँ। मैं हमेशा डेली चार्ट के बेसिस पे ही आप लोगों को इंट्राडे के बारे में बताता हूँ, ठीक है। अब मैं ये जो स्टॉक्स आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, ये इंट्राडे के साथ साथ हम लोग स्विंग या पोजिशनल भी लेकर चल सकते हैं। क्यों, इसके पीछे का लॉजिक मैं आप लोगों को हमेशा चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ना सारी लिस्ट रहती है कि सारी लिस्ट में मैंने कौन से दिन आप लोगों को कौन से स्टॉक्स प्रोवाइड करा है। अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं परसों की, तो परसों मैंने आपको रिलैक्सो करवाया, हिंदुस्तान पेट्रोल करवाया, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग करवाया, पीवीआर करवाया इंट्राडे के लिए, बट आप देख सकते हैं कि आज तक वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को कल सेंचुरी करवाया, रेमंड करवाया, आयोनॉक्स करवाया, आप जाके देख सकते हैं कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सो मैं आपसे कहूँगा कि आप थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करिए। अगर आप लोग मेरे को देखकर चलना चाहते हैं, मेरी एनालिसिस को देखकर चलना चाहते हैं, मैं कहूँगा अपना माइंडसेट चेंज करिए थोड़ा सा। अब आइए इंट्राडे से स्विंग ट्रेडिंग पे, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग पे आइए, पैसा लगाइए मार्केट पे और वहां पर आप लोग अर्न करिए, ठीक है। परसेंटेज वाइज काम करिए, सिर्फ मन में क्या सोच के चलिए कि अगर मैं 2,00,000 रुपए मार्केट में एफडी में डालता हूँ, ठीक है, तो एफडी मुझे कितना देती है। मुझे एफडी देती है 5.10% के आसपास, या मैं 6 भी मान लेता हूँ, वो भी साल का। अगर मैं इसी 2,00,000 को स्विंग ट्रेडिंग में लगाऊं, ठीक है, तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि 15 दिन के अंदर अंदर ही आपको इस रिटर्न का, जो ये साल में देती है, इसका आधा परसेंट मैं आपको इन अपनी वीडियोस के थ्रू या अपने कॉल्स के थ्रू प्रोवाइड करवाता हूं। 3% तक का बढ़िया से बढ़िया रिटर्न, अगर आप पीवीआर ही जाके देख लो। मैं तो आपको कब लोग से कह रहा हूँ, आयोनॉक्स भी आप लोगों में कब से कह रहा हूँ, ये सारी चीजें अगर आप ध्यान दोगे तभी आप एफडी के थ्रू। अब ये सोचो कि यार मैं जब 6% साल का कमा रहा हूँ, क्यों मैं इतना एफडी में डालूं या फिर मैं अपनी फिक्स डिपॉजिट्स ये करूं, जब मैं मार्केट में लगा सकता हूं और मैं उससे ज्यादा अर्न कर सकता हूं। इंट्राडे में अगर आपको रिस्क ज्यादा लग रहा है, तो इंट्राडे में अगर 100% का रिस्क है तो मैं कह दूं इसमें आपको सिर्फ 40% का रिस्क है। अब अपना माइंडसेट चेंज करिए, ट्रेडिंग स्टाइल चेंज करिए और इस पर फोकस करिएगा। अब वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से करते हैं, बट मैंने जब से फोकस चेंज करा इंट्राडे से, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मेरा जो रिटर्न रहा है, जो मेरी इन्वेस्टमेंट का डबल ट्रिपल हुआ है, वो बहुत अच्छे से हुआ है और मुझे रात को बहुत अच्छे से नींद भी आई है इस चक्कर में। बात करते हैं सबसे पहला स्टॉक कल के लिए जो कि आता है बीपीसीएल। अगर देखिए मेरी बात अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं देखिए सामने खुल के बात करता हूँ, मेरा कुछ ये मोटिव नहीं है कि आप, मैं देखिए मैं ज्यादातर इंट्राडे कॉल्स ही प्रोवाइड करवाता हूँ, बट मैं ज्यादातर सब लोगों से यही कहता हूँ कि आप स्विंग ट्रेडिंग पे आइए या उस पे आइए। मेरा कोई ज्यादा मोटिव नहीं है आप लोगों के साथ ऐसा, बट जो मुझे सही लगता है मैं आप लोगों को वो ही रिकमेंड करता हूँ। अब देख सकते हैं बीपीसीएल का मैं ओपन करा हुआ है और ये आप देख सकते हैं 412.45 पे क्लोजिंग है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक रैली आई ऊपर, एक नीचे आया, दोबारा ऊपर जाके जब नीचे आया तो प्रीवियस जो इसका हाई था उस पे जाके सपोर्ट लिया और फिर उसके बाद ऊपर बढ़ गया, ठीक है। अब दोबारा नीचे आया है, प्रीवियस हाई है, प्रीवियस हाई पे डबल बॉटम भी बना चुका है और सपोर्ट ले रहा है, ऊपर भी जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बाय लेवल बनता है और ये अच्छे लेवल्स भी दिखा सकता है, अब इस पे फोकस करिए। देखिए एक एक चार्ट को अच्छे से समझेंगे आप डेफिनेटली खुद एनालिसिस कर पाएंगे, कुछ ज्यादा इसमें सीखने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आप देखिए मैंने एक बॉटम से खींचते हुए एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, एक सेकंड गलत बन गई, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ ये बॉटम से खींच के जब मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और मैं टॉप से ज्वाइन करते हुए भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये दो लाइनें मैंने ड्रॉ कर ली है। अब ये दो लाइनें हमें इंडिकेट क्या कर रही है, ये दो लाइन इंडिकेट कर रही है, सबसे पहले बॉटम की बात करते हैं कि यहाँ सपोर्ट एग्जैक्ट यहाँ सपोर्ट और एक बाउंस हो रहा है। दूसरी बात, तीसरा, पहला बात ये आपको क्लियरिफाई हो गई। दूसरी बात क्या मैंने बताई थी कि हमेशा अपने रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद वहीं सपोर्ट लेता और बाउंस कर रहा है, ठीक है। तीसरी बात क्या, जब मैंने रेजिस्टेंस को टेस्ट करा मुझे लगा कि ये लेवल ब्रेक होने वाला है, कल ब्रेक हो जाएगा 413.5 के ऊपर ये आप बाय बना सकते हैं
और मुझे लगता है ये जो गैप फिल नहीं हुआ, ये गैप भी फिल हो सकता है, आज नहीं होगा कल नहीं होगा बट 4-5 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये हो सकता है। तो लेवल भी तो आप देख लीजिए कि 40 रुपीज का ऊपर का ये लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पर अपनी बाइंग स्टार्ट करिए, मैं कह रहा हूँ ये डिप को आप समझिए कि ये डिप मुझे बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है। ये मार्केट जितना डिप दे रही है उस डिप में शेयर को खरीदते रहो खरीदते रहो खरीदते रहो, उठाते रहो माल को, और डेफिनेटली आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट आप लोगों को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपके ही पैसे लग रहे हैं और मैं आप लोगों को बिल्कुल सही राय ही दे रहा हूँ। टाटा केमिकल्स में आते हैं। टाटा केमिकल्स का अगर मैं थोड़ा सा चार्ट जूम कर देता हूँ, ये मेरी वॉच लिस्ट में है 3-4 दिन से बट मैं खुद भी इसमें पता नहीं क्यों नहीं ट्रेड ले पाया, और मैं हमेशा वॉच लिस्ट में रखता था और अब मेरी वॉच लिस्ट भी इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है कि मेरे अब ज़्यादातर स्टॉक्स में फोकस ही नहीं कर पाया। सो आप देख सकते हैं कि मैंने अराउंड ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल पे देखा था और बाय करने के बारे में भी सोचा था बट ये इतना ऊपर चला गया और मेरे दिमाग में भी निकल गया, ब्रेकआउट तो दे चुका है बट ये लेवल थोड़ा सा रिस्की है, बट इंट्राडे के लिए आप लोग काम कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इसके ऊपर ये जाएगा तो अराउंड ये अपने प्रीवियस हाई तक आ सकता है और मुझे लगता है कि अराउंड 223-225 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो कल पे भी हाई रेजिस्टेंस है अराउंड 335 के आसपास है। नेक्स्ट स्टॉक आता है ऑयल। ऑयल पे एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं और ऑयल पे भी इस तरीके का ही एक सिमिलर ब्रेकआउट ही था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये वाले जो ब्रेकआउट होते हैं ये डेफिनेटली बहुत बढ़िया रिटर्न देते हैं, जिसमें अगर मैं आपको बताऊं मदरसन सुमी, टाटा मोटर्स, DVR, ये सारे जाके आप चेक कर लीजिए और यही सेम पैटर्न है और यही सेम रिकमेंडेशन भी मैंने आप लोगों को दे रखी है। और यहाँ देख सकते हैं कि 2 मल्टीपल रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस का एक ब्रेकआउट हुआ इस लेवल से, थोड़ा सा ज्यादा ऊपर बढ़ चुका है मैं कहना चाहूंगा, बट अगर 100 रुपए के ऊपर कल निकलना शुरू होता है तो एक दोबारा बाइंग आ सकती है। एक रीजन भी है, देख सकते हैं प्रीवियस स्विंग हाई ये है और एग्जैक्ट वहीं पर ही क्लोजिंग दिया, तो कल इसके ऊपर निकलता है तो एक दोबारा बाइंग आ सकती है। हो भी सकता है कि कल एक हॉल्ट कैंडल बना दे और अगले दिन एक अच्छी बाइंग आ जाए, ठीक है। तो वॉच लिस्ट में अगर ऐड रख सकते हो, कल बाइंग नहीं आती तो डेफिनेटली परसों तक तो आ सकती है। नेक्स्ट आता है पिडिलाइट। ये भी मैं बाय करने के बारे में आज सोच रहा था बट मैं रुक गया और मैं देना भी चाह रहा था आप लोगों को या क्लाइंट्स को बट मैं रुक गया। मैंने सोचा कि एक बार ये थोड़ी सी डिप दे देता तो हम लोग बाय बनाते क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। सिमिलर पैटर्न है इस पे भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल टाइप एक फॉर्मेशन बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसने यहाँ से एक राउंडिंग कप टाइप बनाया, यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद एक कैंडल क्लोज करते एक इनसाइड कैंडल बना चुका है। कल अगर ये 1453 के आसपास ऊपर निकलता है तो अब एक बाइंग दोबारा बना सकते हैं, और या मैं कहूँगा कि अगर ये ऊपर जाता ही नहीं इस लेवल के ऊपर या नीचे डिप दे देता है तो भी हम लोग एक बाय बनाने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। सिमिलर इस पे भी वही है जो अभी तक मैंने आप लोगों को ऑयल में बताया कि ब्रेकआउट दे चुका है बट अपने प्रीवियस स्विंग हाई पे ही यहाँ पर होल्ड कर रहा है तो इसके ऊपर निकलेगा कल बाइंग बना सकते हैं, ठीक है। लास्ट स्टॉक जो आता है वो आता है NTPC। ये शायद मैं बाय करने के बारे में कल सोचूं या फिर मुझे दोबारा डिप मिल जाए तो भी मैं बाय बनाने के बारे में सोच सकता हूं। या ये लेवल आप देख सकते हैं, लेवल इंपॉर्टेंट था। या ये देखिएगा ये एक रेंज थी, ठीक है। इस रेंज पे ये एक स्ट्रॉन्ग अपमूव, 2 दिन का हॉल्ट, एक स्ट्रॉन्ग अपमूव। हो सकता है कल ये हॉल्ट कर जाए, 2 दिन होल्ड कर जाए, उसके बाद एक ब्रेकआउट दे जाए तो अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर कल भी ये ब्रेकआउट देता है 100 रुपए का एक राउंड फिगर नंबर है 100 रुपीज का, सो कल हम लोग एक बाइंग इस पे भी बना सकते हैं, ठीक है। सो ये थे हमारे आज 5 पर्टिकुलर स्टॉक्स। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आते हैं सीधा निफ्टी पे, और निफ्टी पे मैं आप लोगों को कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर मैंने बोला था 400 के ऊपर इसको सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है, कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। कैंडल क्लोजिंग नहीं करी और नीचे आई तो मैंने आपको बोला था जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं निकलेगी बाइंग नहीं करना, और जब भी नीचे क्लोज देने वाली हो तब आप लोग बाय करने के बारे में ही सोचिए, ठीक है। नीचे आ चुका है कोई बात नहीं, अगर आप लोगों ने बाय बनाया होगा, अगर कल परसों एक और छोटी सी डिप मिलती है तो भी बाय बनाइए, और मैं कहूँगा इसको भी छोड़िए, निफ्टी बैंक निफ्टी को तो आप भूल जाइए, आप स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस करिए, बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं आने वाले स्टॉक्स। सिंपल एनालिसिस ही तो करनी है आप लोगों को, यहाँ पर रेजिस्टेंस को टेस्ट करना है, बॉटम को जोड़ना है और आपको अपने आप ट्रेंड लाइन के थ्रू पता चल जाएगा। थोड़ी एनालिसिस आप लोग करेंगे और उसके बाद जब मैं अपनी क्लासेस के थ्रू आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो आपको डेफिनेटली बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी।
अपने तरीके से मेहनत करिए, अकेले मेरे से आप लोगों को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आना। ठीक है, आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे एक रेजिस्टेंस था, जैसा कि आप लोगों को पता था, मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये देख सकते हैं, ये बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस लाइन थी, यहाँ पर होल्ड करा था, मैंने बोला था एक दोबारा सेलिंग आ सकती है, एक गैप दे चुका है, यहाँ पर एक कैंडल ऐसे एक इंडिसाइसिव बना चुका है, अराउंड फिगर एक 22,000 के लेवल पे ही क्लोजिंग दी है। अगर मैं 5 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ तो बैंक निफ्टी पे एक बाइंग बना सकते हैं। 15 मिनट का हम चार्ट ओपन कर लेते हैं, 15 मिनट पे आप बाय बना सकते हैं इस लेवल के ऊपर। ठीक है, ये लेवल है, इस लेवल के ऊपर निकलता है जो कि 22,070। इसके ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर जाती है तो बाय बना सकते हैं। देखिए छोटी मोटी विक्स होती है जिससे हमारा लॉस हो जाता है, हम सोचते हैं कि ब्रेकआउट आ चुका है, इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करता हूं, पैसे लगा रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान दे लो, ये 15 मिनट की कैंडल ऊपर बंद हो जाए तो आप बाय बना सकते हो। इतना ज्यादा गैप अभी फिल नहीं हुआ है तो थोड़ा बहुत ऊपर जा ही सकता है। ठीक है, 80-90 पॉइंट्स की मूव दे सकता है, तो इसमें एक बाय पोजिशन इनिशिएट आप लोग कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा गाइस। कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन पे मैंने अपना इंस्टाग्राम प्लस अपना ट्विटर का आपको लिंक दे रखा है, आप जाके फॉलो कर सकते हैं। और जो भी इसके पर्टिकुलर लेवल्स हैं, जो भी आप लोगों को बाय या सेल के पर्टिकुलर लेवल्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा सुबह 8:30 बजे के आसपास, 8:30 AM। सो आप लोग वहाँ जाके ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दिया, या फिर डिस्क्रिप्शन पे भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी बट आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को मेरा थोड़ा सा भी कंसेप्ट समझ में आ रहा है और जो मैं बातें आपको बताता हूँ वो आपको जेन्युइन भी लगती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे हम लोगों को मोटिवेट करिएगा, और हमारे प्लीज 50,000 जो सब्सक्राइबर्स है उसको क्रॉस होने में मदद जरूर करिए। सो जो भी नए लोग हैं वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो लोग ऑलरेडी हैं वो शेयर कर सकते हैं हमारी वीडियोज को, हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब को 50,000 क्रॉस होने में मदद कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो पे। कल हमारी जो वीडियो आएगी वो डाउट सेशन की होगी, आप लोग वहाँ पर अपने कमेंट्स डालेंगे, अपने डाउट्स डालेंगे, हम उसको संडे को पूरा आप लोगों की मदद करके आपके सारे डाउट्स को सुनेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पे। मैं शिवांश भसीन, साइनिंग।